दोस्तों, अगर आप लोग भी फोन पे का बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हो 2024 के अंदर, तो भाई इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा छोटी होने वाली है और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप लोग जो है फोन पे का बिजनेस अकाउंट यानी कि मर्चेंट जो है QR कोड और जो है किस प्रकार से आप लोगों को स्टैंड QR कोड बॉक्स वगैरह सारा कुछ आप लोग डिलीवर कर सकते हो अपने जो है होम एड्रेस के ऊपर। तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपके सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा और अकाउंट बनाना आप सभी लोग सीख जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोज मिलती रहेगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि लूट अपडेट जितने भी आते हैं ना ऑफर से रिलेटेड या जो भी यहाँ पे रिडीम कोड से रिलेटेड अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए अब जो है वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, फोन पे का बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोन पे का जो बिजनेस ऐप है ना उसको आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या जो है आप लोग डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करोगे तो सिंपल सा सबसे पहले ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मांगेगा एक नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर आप लोगों को एंटर कर देना है, जो भी आप लोगों के बैंक के साथ लिंक है वही नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। सिंपल सा मैंने यहाँ पर नंबर को जो है डाल दिया है, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे OTP आएगा, जो कि ऑटोमेटिक OTP यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि OTP वेरिफिकेशन हो रहा है। और आप लोगों को जो है ज़्यादा सही रहेगा कि जौन सा भी नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है वही नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है ऊपर चार जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कुछ करना है, बिजनेस डिटेल्स डालनी है, ठीक है, बिजनेस की लोकेशन डालनी है, बैंक डिटेल्स डालनी है, KYC करनी है। तो किस प्रकार से KYC वगैरह ईजिली हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, बिजनेस का नाम देना है, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ जो भी आपके यहाँ पर बिजनेस का नाम है। तो सिंपल सा मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है गब्बर टैग। उसके बाद यहाँ पर आपको बिजनेस की कैटेगरी चूज़ करनी है कि आपका जो बिजनेस यहाँ पर जो भी QR कोड बना रहे हो, जो भी अकाउंट बना रहे हो, किससे रिलेटेड, यहाँ पर फ्यूल से रिलेटेड है, ट्रेवल से रिलेटेड है, या जो है यहाँ पे आपका कोई भी ग्रोसरी आइटम है, या जो है फूड से रिलेटेड है, कुछ भी आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो। फ्यूल पे क्लिक कर देता हूँ, बाकी कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो सिंपल सा यहाँ पे आपको लोकेशन अलाउ करनी है। तो देख सकते हो लोकेशन आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, या जो है आप लोग यहाँ पर लोकेशन आप लोगों की अलाउ कर देनी है, तो आपकी जो भी लोकेशन होगी उसको परमिशन दे देना है। मैं यहाँ पर लोकेशन वगैरह ऐड कर देता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर अपनी लोकेशन जो है करंट लोकेशन यूज़ करने जा रहा हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने स्टोर का जो एड्रेस है वो फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कोई भी जो है लैंडमार्क नंबर यहाँ पर जो है उसकी जगह को लोकेशन को यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको वो एड्रेस डालना है जहाँ पर कि आप लोग अपना QR कोड को रिसीव करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से अपना एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ। उसके बाद प्रोसीड टू बैंक डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ से हमारी बैंक की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर मांगेगा कि आपका कौन सा बैंक है। तो मैं यहाँ से अपना बैंक सिंपल सा ऐड कर लेता हूँ, जो भी हमारा बैंक है वो। फाइनली हमारा बैंक वगैरह आ चुका है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल्स डालनी है जिसपे कि आप लोग पैसा रिसीव करना चाहते हो। तो सिंपल सा यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ, और कौन सी सिम है वो आप लोगों को सेलेक्ट करनी है। सिंपल सा नंबर वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे लिंक वगैरह आ चुका है। और हमारा जौन सा भी हमने नंबर डाला था शुरू में, वो अगर बैंक के साथ लिंक होगा तो सिंपल सा आपका बैंक वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। बाकी देखो हमारा बैंक डिटेल्स वगैरह सारा कुछ आ गया है। तो ऐड दूसरा बैंक करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमें यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जौन सा भी बैंक यहाँ पे पहले डाला था वही यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ से आपको टाइप ऑफ जो है बैंक चूज़ करना पड़ेगा कि सेविंग है या जो करंट अकाउंट है। तो मेरा सेविंग अकाउंट है, डिटेल्स वगैरह इन्होंने खुद जो है यहाँ पर फिल कर ली है। उसके बाद यहाँ पर वेरीफिकेशन होगा आपके बैंक के डिटेल्स का। उसके बाद सिंपल सा आप लोगों को यहाँ पर लगभग 10-15 सेकंड का वेट करना है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह हो रहा है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिख रखा है प्लीज़ डू नॉट बैक, यहाँ से आपको छोड़ के नहीं जाना है, बल्कि 10-15 सेकंड का जो भी वेट करना है वो सिंपल सा वेट कर लेना है। और हमारी बैंक डिटेल्स जो वेरीफाई यहाँ पर पूरी तरीके से हो चुकी है। अब आपको सिंपल सा KYC करनी है। KYC करने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, या जो है पैन कार्ड नहीं है तो आप लोग GST नंबर वगैरह डाल सकते हैं। तो हमारे पास पैन कार्ड है, तो सिंपल सा यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देता हूँ। तो देखो सिंपल सा पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से आप लोगों को जो है वेरीफिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या जो है सिंपल से यहाँ पे पैन नेम जो है यहाँ पर मिसमैच बता रहा है भाई क्या सिस्टम है। यहाँ से सिंपल सा देख सकते हो ये वाला जो नेम है मेरा बैंक के साथ यहाँ पे ये वाला लिंक नहीं है, तो भाई मुझे यहाँ पे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी मेरा पैन कार्ड के अंदर नेम है और भाई यहाँ पे जो बैंक के अंदर नेम है वो जो है सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल ई लगा है और भाई पैन कार्ड के अंदर आई लगा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोसेस में थोड़ा सा दिक्कत ले रहा है और मांग रहा है कि भाई यहाँ पे
आपका जो पैन कार्ड है वो मैच नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ से एक बार बैक करके क्लिक कर देते हैं। देखो पैन कार्ड तो हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा स्पेलिंग मिस्टेक के कारण। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डोंट हैव ए पैन कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, तो कोई दूसरा जो है यहाँ पर पेमेंट प्रूफ जो भी यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है वो हम लगाने वाले हैं। तो सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वोटर आईडी, लाइसेंस का, ठीक है, यहाँ पर आधार कार्ड का। तो नॉर्मली आधार कार्ड सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो आधार कार्ड पे मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोगों को करना क्या है, देखो मैं यहाँ पे आधार कार्ड पे अभी क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि आधार कार्ड तो भाई सभी के पास होता ही है, जिससे कि भाई आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो आधार कार्ड पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर आपको आधार नंबर वगैरह सारा कुछ डाल देना है, उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है उसके ऊपर एक OTP आएगा, ठीक है, तो सिंपल सा OTP पे क्लिक कर देना है और आपकी KYC जो है सक्सेसफुली यहाँ पर डन हो जाएगी। आपकी जो भी डिटेल्स है वो देख सकते हो, KYC यहाँ पर सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुकी है और आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर यहाँ पर विद द, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आज, ठीक है। अब आपको करने के है, अब जो है आप लोगों को 15 दिन के अंदर अंदर जो भी आपने यहाँ पर एड्रेस डाला है उस एड्रेस के ऊपर आपका जो भी स्टोर वगैरह होगा, ठीक है, यहाँ पर एक एजेंट आएगा, ठीक है, जो कि आप लोगों की KYC को वेरीफाई करेगा और आप लोगों को उसके बाद जो है QR कोड वगैरह, साउंड बॉक्स वगैरह आप लोग जो है फ़ोनपे का सारा कुछ मंगा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा इतना ही प्रोसेस था गूगल पे का जो बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना।